फाइनल मैच की पहली गेंद भोपाल के खिलाड़ी द्वारा और भोपाल के ये खिलाड़ी हम बहुत जोर से देख रहे हैं कि फैन की नजर लगाने वाले और अपनी टीम के लिए निरंतर चलने से बहुत अच्छी जंप और बहुत अच्छे कीपर के साथ में खाता खेला और अपनी टीम के लिए निरंतर संघर्ष और ये बुधवार का खिलाड़ी एक नंबर की जर्सी छिंदवाड़ा जिले के आन बान शान जिला स्तरीय कबड्डी का खिलाड़ी है और अपने टीम के लिए निरंतर संघर्ष बहुत अच्छी कोशिश कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसी के साथ दोबारा भोपाल का ये खिलाड़ी गुरुवारा के ग्राउंड में अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पूरी समझ पूरे अनुभव के साथ अपनी टीम के लिए लगातार संघर्ष और राज्य स्तर पर ये टीम अपनी पहचान बनाकर आज घन अवधि की पावन धरा पर विशाल कबड्डी प्रतियोगिता 2024 में अपना प्रदर्शन और लाखों की संख्या में सिर्फ दर्शकगण उपस्थित कर रहे इस मैच का फाइनल मुकाबला 21,001 रुपये के लिए बारी और हमारे भैया मनोहर यादव सिंह राज्य स्तरीय खिलाड़ी एक बहुत अच्छा अनुभव उनके पास और बुधवार और भोपाल का ये खिलाड़ी बहुत ही तेज तर्रार दस नंबर की जर्सी में बहुत अच्छे अनुभव के साथ निरंतर कोशिश और एक बहुत अच्छी पकड़ के साथ निरंतर प्रयास और ये मनोहर यादव सिंह जिले के आन बान शान और हमारे ब्लॉक की पहचान उन्हें भी कबड्डी का बहुत ही अनुभव है बहुत अच्छी समझ है और अपनी टीम के बहुत प्यारा प्रदर्शन दो अढ़ाई एक तरफ दिया एक तरफ खाई मरो या करो की स्थिति या तो आप पॉइंट लाओ या तो फिर निकल जाओ और कोशिश कुछ करने की जज्बा कुछ दिखाने का और ये दोबारा कोशिश और बहुत अच्छे प्रयास और रेगा राउ मैच में अपने रेफरशिप की भूमिका निभाने वाले दोनों ही रेफर बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं बहुत और भोपाल के ग्राउंड में छिंदवाड़ा जिले के आन बान शान और जनार्दन की पहचान भाई मनोहर यादव को बहुत अच्छे अनुभव के साथ अपने टीम के लिए भेंट करते हैं और वन पॉइंट और ये भोपाल का खिलाड़ी इनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है अभी इसी प्रतियोगिता में उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में बहुत अच्छी पहचान बनाई है अपने टीम के लिए निरंतर एक वन पॉइंट और भरपूर जोश के साथ ये खिलाड़ी भोपाल के ग्राउंड में केवल तीन ही मेंबर डिफेंडर है और ये बुधवार का रेडर बहुत ही ज्यादा और पिछली कबड्डी जो हुई थी विशाल कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के विनर की टीम है दोबारा और इस बार इसका फाइनल मुकाबला भोपाल से हुआ और दोनों का बहुत ही शानदार मैच हमारे बीच और कुछ ही देर में देखने को मिलेगा कि कौन सी टीम
किस पर भारी पड़ती है और कौन 21,000 का दावेदार बनता है। और ये बहुत ही शानदार लड़ाई 21,000 रुपए के लिए भारत की बहुत बड़ी कबड्डी में से एक बहुत अच्छी कोशिश। नंबर एक की जर्सी में बहुत ही फुर्तीला ऊंचे कद का खिलाड़ी अपनी टीम के लिए रेड करते हुए बहुत अच्छे अनुभव के साथ अपनी टीम के लिए कार्यरत बड़े जमारे, लेकिन रेडर भी बहुत ही अनुभवी है, डिफेंडर भी बहुत ही अनुभवी, बहुत अच्छी गति के साथ और ऊंचे कद का खिलाड़ी भोपाल पर भारी। और थर्ड है, इधर भी वही स्थिति है कि मायूस मत होना जिंदगी से, कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है और ये घाना उड़ रही है भाई, कहीं से भी तेरी पहचान बन सकता है। बहुत अच्छी कोशिश तो टीम को एक बहुत अच्छा सहयोग और फिर से 2023 के विनर टीम के खिलाड़ी और प्रदेश स्तर पर अपनी कबड्डी प्रतिभा दिखाने वाले भाई मनोज वंशी की भेड़ और बहुत शानदार मुकाबला, शांतिपूर्ण मुकाबला, लाखों की संख्या में खचा कर भरा स्टेडियम और बंद करें दो पॉइंट से आगे बुधवारा। बुधवारा टीम के पास ऑलरेडी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है और अच्छी कंडीशन पर है। सामने वाली विपक्षी टीम भोपाल के पास सिर्फ 2 ही डिफेंडर बचे, लास्ट राउंड के 3 मिनट। अब बहुत अच्छी कोशिश भरपूर जोश के साथ और बुधवारा भारी पड़ गया भोपाल को और एक पॉइंट होकर आउट। लगभग भोपाल की स्थिति बहुत ही खराब है जैसा कि हम देख पा रहे हैं और समर्पित बहुत अच्छा ठीक है। भोपाल ऑल आउट और फिर से भोपाल का एक नया जोश, एक खिलाड़ी ऐसा जो अपनी टीम के लिए फिर से कोशिश करेगा और एक सफलता हाथ लगी और 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए तैयार किया और फिर से भोपाल के ग्राउंड में बुधवारा का ये ऊंचे कद का खिलाड़ी जिसकी एक अलग ही पहचान है और अपनी टीम के पास एक अच्छी लीड के साथ, एक अच्छे जोश के साथ, खुले अनुभव के साथ भोपाल के ग्राउंड में हलचल, इतना प्रेशर बना के रखा है कि और ये भोपाल का खिलाड़ी बुधवार के ग्राउंड में उछल कूद करते हुए और बहुत ही फुर्तीला शरीर पूरे अनुभव के साथ और निरंतर कोशिश की कहीं से तो पॉइंट मिले और बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन असफल और बुधवारा का फिर 1 पॉइंट तैयार। काफी अच्छी कोशिश बुधवारा के द्वारा, काफी अच्छा दबाव बुधवारा टीम के द्वारा भोपाल पर। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए तो दबाया जा रहा है, काबिलियत भी है इसमें कोई शक नहीं है और हमारे ही क्षेत्र की स्थानीय ब्लॉक की टीम बाहर की टीम के ऊपर बहुत अच्छा दबाव, बहुत अच्छी कोशिश और काबिलियत पर दबाव बनाना बहुत अच्छी बात है। ये होता है टैलेंट और निरंतर कोशिश और हमारे इस टीम के सबसे भारी भरकम रेडर भोपाल के लिए 10 नंबर की जर्सी में और
उनके अंदर भी एक अलग क्वालिटी है, एक अलग पहचान है। कपिल सिंह के लिए अभी तक कभी खाली हाथ वापस नहीं गए और कोशिश भी बहुत अच्छी है। शरीर भले देखने में बहुत हेल्दी है लेकिन फुर्ती भी उतनी है और बहुत अच्छी कोशिश। मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी कभी खाली हाथ वापस नहीं गया, बहुत अच्छा कोशिश। ये होता है टीमवर्क। पूरे जोश के साथ गुरुद्वारा का खिलाड़ी भोपाल के ग्राउंड में और बिल्कुल बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट मिलना मिलेगा। पाकिस्तान के द्वारा सम्मानित धन्यवाद आयोजित करते हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन और हाथ का अंकड़ा के बारे में स्टार्ट। और भोपाल के ग्राउंड में बुधवारा का खिलाड़ी अपने वीर पूरी समझदारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे अनुभव के साथ एक बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन और देखने में मैच बहुत शांत लग रहा है लेकिन ये शांत नहीं है, ये अनुभव है, ये होता है टैलेंट। और खिलाड़ी विशेष ध्यान देते हुए आप कमेंट ना करें और कोई भी पॉइंट की बात ना करें, आपको पॉइंट निष्पक्ष रूप से दिया जाएगा बिल्कुल, अगर आपका है तो आपको दिया जाएगा। दो रेफरेंस बिल्कुल इसी नाम के लिए रखे होंगे और बहुत ही अनुभव से रेफरेंस है, बहुत जगह पर उन्होंने मैच करा चुके हैं, कितने भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो इनका अनुभव फैल नहीं होता। और बहुत अच्छी कोशिश पूरे जोश के साथ ऊंचे पर लंबे तक खिलाड़ी निरंतर प्रयास। और ये भोपाल का खिलाड़ी 110 नंबर की जर्सी और इसका जोश किसी शेर से कम नहीं है। और फिर दोबारा कोशिश, एक पॉइंट और भले ही भोपाल पॉइंट में पीछे है लेकिन कोशिश जरूर रिमाइंडर कोशिश जब की जाती है तो सर अभी भोपाल के ग्राउंड में बुधवारा का बहुत ही टैलेंटेड एक नंबर की जर्सी में और ये हमारे खली भाई भोपाल से आए हमारे पैर की बाहर ही काफी होती है, बात सही है। और ये दोबारा का बहुत ही जोरदार खिलाड़ी हल्के भी ना ले, अगर आप बुधवारी हो तो ये भी भोपाली है। आप अपने आप को यदि बुधवारी समझते हो तो सामने वाला भी भोपाली है भैया, राजधानी में रहते हैं। बहुत ही क्रिटिकल मामला है, फाइनल
मौसम कब बदल जाए, कब सुधर जाए, कब बदल जाए, ऐसा कोई ठिकाना नहीं होता। और काम का अंतर जनता से हमारा बराबर ऊपर नीचे कर रहा है। और फिर दोबारा हमारे वोटर हैं, गरीब हैं और भोपाल टीम के आम राजस्थान को बहुत अच्छा लगा था। बदमारन भाई में बहुत अच्छी ताकत टीम दहा इकहत्तर की है और दोनों ही बराबर के पॉइंट में खेल रही है। 5:24 का टाइम आपके पास बचा हुआ है, 5:24 आपके पास शेष टाइम है। बस 5:24 में आपको स्कोर बराबर है और अब आपका मैच समझ जाए कि आप 5:24 में आपको लेना होगा। टाइम आउट के बाद दोबारा स्टार्ट, तो दोनों ही टीम का स्कोर बराबर है, मतलब मैच 0 से स्टार्ट हो रहा है। 5 मिनट का समय आपके पास शेष है और वही आपको निर्णय करती है कि आपको प्रथम मिले या बचे मिले, लेकिन कोशिश संघर्ष जारी रहेगा। ये भी बहुत फुर्तीला खिलाड़ी है, रेडर है भोपाल टीम की आल राजस्थान 110 नंबर की जर्सी में, उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है। आज के इसी मैच में हर राउंड में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छे पॉइंट अपने स्वयं के नाम दर्ज किए और बहुत ही शानदार कोशिश। बुधवारा का खिलाड़ी भोपाल के ग्राउंड में कुछ है खुद और पूरी समझदारी पूरे जोश के साथ कमेटी के मेंबर गड़बड़ हो जाइए थोड़ा सा ढूंढते रहे, क्योंकि हमारे बीच जो दूर दराज से जो दर्शक कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्मीद, बहुत ही आशा के साथ कमेटी प्रतियोगिता को देखने आए। और आपने अपने जीवन का आनंद समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सीसीटीवी कैमरा भी मेरी गलती हो सकती है, गलती आते भी नहीं हो सकती। दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी प्रतियोगिता कराकर आए, बोल भवन आए तो बहुत अच्छी कोशिश थी उनके रसीद और पूरी समझदारी के साथ एक अच्छी लेड भरवाना खिलाड़ी वही वाली
दोनों के स्टेज बनाकर जैसे दिखाए थे